आपको इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। तो हुए गए, जिस आदर्श गुप्ता, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के फॉर्म एडिटिंग से रिलेटेड कुछ डाउट के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और उसके अंदर ये बताया था कि आपको अपना फॉर्म वगैरह एडिट किस तरीके से करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ डाउट है, उन डाउट को हम आज की वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, हम अपने पहले डाउट के बारे में बात करते हैं। पहला आपका डाउट ये था कि भैया, जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सब कुछ हमने सबमिट कर दिया है, यानी कि एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया हमने, सारे डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन हम पे दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस है उसके अंदर शो हो रहा है कि हमारा पेंडिंग लिखा हुआ है, इनके वेरिफिकेशन जो हमारा वो पेंडिंग है, ये चीज लिखी हुई आ रही है। तो भैया इसका क्या मतलब है, जबकि हमने सारे डॉक्यूमेंट यहां पे सबमिट कर दिए फिर भी हमारा ये लिख के आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा डाउट क्या है, दूसरा डाउट ये था कि भैया, जो हमारा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, जो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि मान लीजिए अगर हमने 10th अवेटेड कर रखा था तो हमें 10th का हमारा मार्कशीट अपलोड करना होगा, और अगर हमने 12th अवेटेड कर रखा था तो हमें 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप 10th और 12th अपने अभी भी पास आउट करिए 2021 में, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि दो ऑप्शन है, एक तो ओरिजिनल का और एक प्रोविजनल का। तो आपको क्या करना है, अगर आप नेट वाला है, यानी कि नेट से अगर आप निकाल के उसको यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रोविजनल सेलेक्ट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आपका ओरिजिनल नहीं आ रखा है, अभी आपका ओरिजिनल तो बाद में मिलेगा ना आपको, तो आपको ओरिजिनल पे टिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रोविजनल को सिलेक्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं दोनों चीजों को आपको करके दिखा देता हूँ, क्या क्या चीजें आपके लिए मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग लिख के आ रहा है उसके लिए आप सब क्या करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, ये आपकी डेट मेंशन है, अभी पता नहीं आगे बढ़े या फिर नहीं बढ़े, लेकिन आपका 28 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आज 19 अगस्त हो चुका है, तो आपके बस 10 दिनों का टाइम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन सही से करिए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होना है या फिर नहीं होना। तो इन्हीं 10 दिनों में जो भी होना था आपका हो जाएगा, तो प्लीज आप सब तैयारी करिए। मैंने जितनी भी आपकी तैयारी की वीडियो बना रखी है उन सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सेक्शन नंबर ABC किसी को भी लेकर कोई भी कंफ्यूजन है उसको देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। और मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सबने किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके पहले डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका पहला डाउट क्या था, पहला डाउट ये था कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट जो है, हमने सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दिए फिर भी हमारा एप्लीकेशन स्टेटस जो है उसके अंदर हमारा पेंडिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके से सही करें। तो आपको करना क्या, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने माई एप्लीकेशन पे क्लिक करा, माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेने के बाद यहां पे देखिए ये हमारा ऑप्शन, यहां पे जैसे कि हमारा है, क्या लिखा हुआ है, हमारा कंफर्म एंड पेड, लेकिन हमारे आपके में क्या लिख के आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट में ये लिख के आ रहा है कि यहां पे लिखा हुआ पेंडिंग, इस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है आपका पेंडिंग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पे ये क्यों लिख के आ रहा था, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अभी अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सभी अपलोड कर दिए तो यहां पे अपडेट नहीं करा इन लोगों ने, आपको करना क्या है, देखो या तो आप वेट कर लो या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इन सबको मेल कर दो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे को यही बताया, पहले उसका पेंडिंग लिख के आ रहा था, फिर उन्होंने मेल करा, तो जैसे उन्होंने मेल करा तो फिर उन्होंने उनको रिजॉल्व कर दिया सही तरीके से, अब उसका क्या लिख के आ रहा है, कंफर्म एंड पेड लिख के आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं आपको मेल में क्या क्या चीजें लिखनी है। तो चलिए मेल खोल लेते हैं और हमको आपको बता देते हैं कि आपको मेल किस तरीके से करना है। उससे पहले एक चीज मैं बताता हूं, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको मेल में लिखनी होगी, सबमिट करनी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट फाइनली हम आ गए मेल की तरफ, जिन भी स्टूडेंट का पेंडिंग हो रहा था आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है मैसेज, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए आपको लिखना है सर या फिर मैम, यहां पे देखो आई सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट बट माई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन स्टेटस शोइंग पेंडिंग, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन आई डी यहाँ पे फिल कर देनी। मैंने आपको अभी बताया था एप्लीकेशन आई डी आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसको फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे आप टाइप करके आपको DCU को मेल कर देना। फाइनली वो आपको रिस्पॉन्स दिखाएंगे और वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का इसी तरीके से रिजॉल्व हुआ है, उनका सुबह का टाइम क्या हो रहा था, इसी तरीके से उनका सुबह के टाइम पेंडिंग हो रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने मेल वगैरह करा, यहाँ पे आपको आई डी भी लिखनी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो उनका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया फाइनली। तो ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब चलिए हम चल लेते हैं दूसरे डाउट की तरफ। तो दूसरा डाउट आपका क्या था, डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पे हमने एडिट पे क्लिक कर लिया, एडिट पे क्लिक कर लेने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एडिट पे जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहां पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस में सबसे पहले यहां पे आपका मेंशन है डॉक्यूमेंट डिटेल, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहां पे आपका देखिए क्या इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन होने के बाद यहां पे ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने 10th या फिर 12th
ट्वेल्थ अगर आपने 2021 में पास आउट किया, यानी कि अगर आप रिजल्ट अवेटेड कर रखा था आपने, क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नेट पे रिजल्ट आ रखा है इंटरनेट पे, उसी को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे फाइल, तो आपको फाइल को चूज कर लेना है, यहाँ से आप क्लिक करोगे फाइनली उसको अपलोड कर लोगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि टाइप को लेकर, कि भैया हम यहाँ पे क्या करें, ओरिजिनल करें या फिर प्रोविजनल करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये प्रोविजनल होगा। आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे, फाइनली आपको प्रोविजनल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, प्रोविजनल कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल आपको कौन सा मिलता है, जो स्कूल में आपको दिया जाएगा ना स्कूल की तरफ से, वही ओरिजिनल होगा। तो अभी तो आपको स्कूल से मिला नहीं है, है ना, टेंथ की मार्कशीट आपको स्कूल से मिली है क्या ओरिजिनल वाली, नहीं मिली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे प्रोविजनल पे सिलेक्ट कर लोगे, ये चीज क्लियर हो गया। या फिर आप डिजी लॉकर वाले भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो डिजी लॉकर से भी डाउनलोड करके वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वो ओरिजिनल ही माना जाता है, तब यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट कर लोगे ओरिजिनल, ये चीज क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फाइनली अपलोड कर लेना है, तो ये भी आपका जो प्रॉब्लम था ये रिजॉल्व हो चुका है फाइनली। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि 21 अगस्त को आपको क्या होने वाला है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि डेट आगे एक्सटेंड होगी, तो आप सबको क्या करना है, आज 19 तारीख हो चुकी है जैसे आपको पता है, तो 10 दिनों का टाइम है मुश्किल से, है ना। अगर आप देखोगे 9 दिनों का भी बचा हुआ, बहुत कम ही टाइम है आपके पास 9 दिनों का टाइम है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें मैंने बता रखी है आपको क्या करना है। एंड वीडियो खत्म करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे, जैसा कि आपको पता है कि 21 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम आपको हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता अब ये पोस्टपोन होने वाला, तो पोस्टपोन के तो आपको चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत बच्चे ये बोले थे भैया पोस्टपोन होगा क्या, नहीं पोस्टपोन नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है 28 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने वाला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपका 19 अगस्त जो है, 19 अगस्त आपका आज हो चुका है, अब देख सकते हो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 9 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह किस तरीके से करनी है, मैंने इनके लिए पहले से वीडियो बना रखी है, उन सभी वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो, राइट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूं अगर आपने किंग इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड करी है, जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए, तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन वगैरह जो प्रीवियस ईयर के उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और जो भी मैंने आपको बताया कि आपकी डाउट वगैरह सॉल्व हुए या फिर नहीं हुए। इससे हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।